हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब चैनल सविताज लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग फुल फैमिली काली मंडा आए हैं। ये पचम्बा गेड़ी काली मंडा का मैं व्यू आपको दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर के लिए निकल पड़े हैं। मंदिर जाने के लिए हमें टोटो लेना पड़ेगा क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर में है और इतने सारे लोग पैदल जा नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग सब लोग यहाँ पे हैं, पापा भी हैं और दीदी लोग भी हैं और कौशिक जी और कौशल थोड़ी देर के बाद आएंगे। तो कौशल का एग्ज़ाम था इसलिए कौशल स्कूल गया है और उसके पापा लेके आएंगे। और यहाँ पर हम लोग मंदिर की तरफ बढ़े हैं। यहाँ पे हम लोग टोटो से उतर गए हैं और ये एक रास्ता रहता है गली जैसा, तो पतला सा गली रहता है, तो यहाँ से हम लोग मंदिर का रास्ता पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर का जो पूजा वगैरह का सामान वगैरह यहाँ पे मिलता है। तो यहीं से हम लोग लेकर पूजा के सामान लेकर फिर हम लोग यहाँ पे मंदिर में पूजा करने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पूजा का सामान ले लेंगे और चप्पल वगैरह खोल लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर। तो फ्रेंड्स, ये अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, सैटरडे और ट्यूसडे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। इस 2 दिन ही यहाँ पे पूजा होती है, बाकी दिन यहाँ पर नहीं होती है और इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और हम लोग का थोड़ा सा आने में लेट भी हो गया है इसलिए और ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो चुकी है। तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर कृपा और यहाँ पर पापा और यहाँ पर दीदी लोग पूजा कर रही है। तो दीदी लोग कल चली जाएगी तो इसलिए आज मंदिर आई है दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है पता है, यहाँ पे ना यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी प्रतिमा नहीं है और यहाँ पे माता का पूजा होती है और यहाँ पे बलि वगैरह भी चढ़ता है और यहाँ पे बरगद का भी पूजा होता है। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही जागृत मंदिर है। यहाँ पे हम मनोकामनाएं पूरी होती है तो इसलिए यहाँ पे दूर दूर से भी लोग आते हैं, पूजा करते हैं, मन्नत मांगते, फिर मन्नत पूरी होती है। तो फिर जिस तरह की मन्नत लोग मांगते हैं उस हिसाब से माता को चढ़ाते हैं। कोई चुन्नी चढ़ाता है, कोई साड़ी चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई प्रसाद बतासा लड्डू पेड़ा चढ़ाई जाती है माता को प्रसन्न करने के लिए। तो ये था यहाँ का मंदिर का कुछ बातें जो मुझे पता थी वो मैंने आपको बताई। और इसका मैंने एक अलग से भी व्लॉग बनाया है, अब मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आई बटन में और इन स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा देखने को। तो आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे कौशिक जी और यहाँ पे कौशल भी आ चुके हैं। और आने के बाद यहाँ पे कौशिक जी लाए थे बतासा चढ़ाने के लिए, तो ये उनकी मन्नत थी और जो पूरी हो गई है। तो हम लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आए थे और दीदी लोग को भी कुछ मन्नत था, उन लोगों को भी बहुत दिनों से आने का मन था तो इसलिए हम लोग आए हैं। सब पूरी फैमिली यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो अभी यहाँ पे कौशिक जी है ना परिक्रमा कर रहे हैं पूजा करने के बाद, तो यहाँ पे परिक्रमा की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। जैसे जैसे जो टाइम बढ़ता है ना तो और ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो जाती है, तो कोई बात नहीं। तो इतना तो हम लोग भगवान के लिए कर ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं पूजा, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे
दीदी लोग यहाँ पे कुछ सामान वगैरह भी लगा हुआ रहता है, बच्चों लोग का खिलौना वगैरह, तो वो सब देख रही थी। तो हम लोग अभी आ रहे हैं बाहर, तो ये बाहर का व्यू है, अब देख सकते हैं चारों तरफ इस तरह का दुकान लगा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं मंदिर से बाहर, तो ये मंदिर का बाहर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं और ये बाहर का व्यू है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग घर की ओर चले पड़े हैं, तो यहाँ पे हमने टोटो कर ली है और यहाँ पे हम लोग सब जा रहे हैं टोटो में। फिर मैंने घर आने के बाद चाय बनाए और बाहर से नाश्ता लेकर आए थे, तो यहाँ पे मिठाई, कचौड़ी, समोसा और यहाँ पे दाल का बड़ा है और ये सब हमने नाश्ते में किया। The next day. तो ये है नेक्स्ट डे, आज के दिन दीदी लोग चली जाने वाली है, फिर हमारा घर एकदम खाली खाली सा होने वाला है। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक किए बच्चों के साथ और यहाँ पे दीदी पापा से बात कर रही थी, फिर अंदर जा रही हैं और यहाँ पे भैया सामान वगैरह बैग्स वगैरह निकाल रहे हैं। गाड़ी आने वाली है तो फिर गाड़ी में करके दीदी लोग चले जाएंगी स्टेशन। तो यहाँ पे कौशल, कृपा, कार्तिक ध्रुव थोड़ा सा खेल ले रहे हैं क्योंकि फिर कब मिलेंगे कुछ पता नहीं है, कितने सालों बाद। तो काफ़ी ज़्यादा लोग खेल रहे थे, तो इतना ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहे थे ना, तो डर भी लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, जाने टाइम चोट वगैरह ना लग जाए। और यहाँ पे मैं ध्रुव का फोटो ले रही थी। तो यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है और अब दीदी लोग जाने वाली हैं।